जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं गंगा दशहरा व्रत कथा एवं पूजन विधि। गंगा दशहरा के पर्व को हिंदू वैदिक पंचांग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मात्र एक नदी माना नहीं जाता, बल्कि माता की तरह पूजा भी जाता है। माता गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है। पौराणिक कथा में गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। गंगा ऐसे ही पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुई। राजा भगीरथ ने कठोर तप करके माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने की प्रार्थना की थी। गंगा दशहरा के दिन दान व तीर्थ स्नान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। आइए सुनते हैं गंगा दशहरा व्रत कथा। युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आए, कृपया इस प्रसंग को भी सुनाएं। लोमस ऋषि ने कहा, धर्मराज इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और शैव्या नाम की दो रानियां थी। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंजस नाम का एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। कालचक्र बीतता गया और असमंजस का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजस अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेघ यज्ञ का श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लग सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ही चुरा लाए हैं, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले कि मुनि, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा जी के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंप कर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया।
अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंप कर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ आई। अंततः भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव की अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधी शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। आइए सुनते हैं गंगा दशहरा पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, इसलिए घर में रहकर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर माँ गंगा का ध्यान कर स्नान करें। घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें और दीप प्रज्वलित करें। इस दिन माँ गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें, माँ गंगा को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। इस दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। घर में रहकर ही माँ गंगा की आरती करें। माँ गंगा चालीसा का पाठ करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।